भाई कह रहे थे, बोले मैं बहुत छोटा कवि हूँ, बहुत छोटा कवि, इस तरह की हरकतें कभी मत करा करो। अरे पागल समझता नहीं, इसको मालूम ही नहीं, अभी इंदौर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, एक कवि को बुलाया और वहां सारे बड़े कवि डाक साहब थे और हमारे बड़े संचालक सत्तन जी वगैरह और सारा हरिओम पंवार वगैरह। तो उसने बोले मैं बहुत छोटा कवि हूँ, बहुत छोटा। उसने तो कह दिया, कहने के बाद अगले ने 500 रुपए काट लिए। बोले छोटा है काट लो, क्या मतलब है यार, इससे कटपीट हो जाता है, ऐसी हरकतें नहीं करना जिसमें कटपीट हो जाए। आप सुनेगा, मतलब सारी 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 बात, मतलब मैं क्या है कि आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। क्या बात है, हंसना बहुत जरूरी है यार। ये देश किस किस स्थिति से गुजर रहा है यार, किस 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 परिस्थिति से गुजर रहा है ये देश, और इस देश इस दौर के अंदर ऐसी स्थिति में भी अगर हम ऐसी बातें करेंगे। बिटिया ने इसने बताया, निशा ने बोले बेटिया बहुत बड़ा काम कर रही है, चांद पे जा रही है, और वहां पे जा रही, कोई कौन गया चांद पे? सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दो गई, बाकी तो कवि सम्मेलन मुशायरे में जा रही, कहाँ जा रही दूसरी? फोकट की बात सब जो एक बात बता रहे, कोई कहे भी नहीं। बहुत बढ़िया क्या सर, हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। हमारी कहावत थी, जो गांव की बातें कर रहे हैं पंडित जी, गांव में ऐसी कहावत चलती थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताएं। और जनाना यानी भारतीय नारिया, भारतीय नारी जो पर्दे की चीज हुआ करती थी, वो आजकल रैंप पे चल रही है, और उसमें कॉम्पिटिशन, उसमें कॉम्पिटिशन ये कि तेरे से ज्यादा सुंदर मैं, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर चला, मेरी माता बहने बैठी हुई है यहाँ पर, इस दुनिया में नग्नता जो हमारे घरों तक, मुंबई से निकलने वाली नग्नता हमारे घरों तक पहुंची, 2 लाख रुपए मिले, देश कितने बड़े गीतकार बैठे हुए वहां, 2 लाख रुपए में एक गीतकार गीत लिख देता है जोरा जोरी चने के खेत में। उस माधुरी दीक्षित ने चने का खेत नहीं देखा, उस गीतकार ने चने का खेत नहीं देखा। शास्त्री जी कहते हैं जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान उन जवानों का है, उन किसानों का है, वो 2 लाख रुपए में जोरा जोरी चने के खेत में लिखने वालों का नहीं है। उस बेवकूफ माधुरी दीक्षित को पता नहीं है कि चने के खेत में जोरा जोरी नहीं हो सकती है, नहीं चने के झाड़ की साइज ही है, उसमें जोरा जोरी कैसे करेंगे, उसे पता ही नहीं है। वो अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंची, एक पप्पी तुम उसको उधार देते बदले में यूपी और बिहार ले ले, क्या गीत लिख रहे हैं आप, एक पप्पी के बदले पूरे के पूरे प्रांत दे दिए। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना के करिश्मा कपूर तो बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है, ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष गई सावन कुमार माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा, भगवान तरसता है यहाँ पे आने के लिए। ये अश्लीलता यहां तक दुनिया में, नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है सर, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्ना बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता अच्छी लगे। वाह वाह, अब हमें पता ही नहीं, अब आप कह रहे हो कि भूमिका नहीं बनाना, इसे ये भूमिका नहीं बनाए तो क्या करे बताओ आप। भूमिका इसलिए नहीं बनाना क्योंकि भूमिका बनाने में कई बार नुकसान हो जाता है, जैसे दीपिका पादुकोण ने भूमिका बनाना शुरू करी, बिचारी गलत जगह चली गई। कई बार ऐसा होता है वो, अच्छा उसके भाग्य ही खराब डॉक्टर साहब, इतनी सर्दी में छपाक
ये छपाक गर्मी का सिस्टम था। गर्मी में अगर छपाक होती तो ठीक रहती, अब सर्दी में छपाक क्या मतलब रहा। और इस देश के अंदर तो ऐसा ही होता है साहब, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हम विश्वास किस पे करें, किस पे विश्वास करें, चैनल वालों पे, मीडिया वालों पे, अखबार, किस पे विश्वास किया जाए। घर में टीवी देखने के लिए बैठो, चैनल चालू करो, देश की जीडीपी गिर गई, देश खत्म हो गया, देश की जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, आधे सेकंड का खेल है, चैनल बदल दो, जीडीपी उठ जाएगी। भैया तो ये गिरा रहे आप मतलब इंडिया टीवी वाले के यहाँ से प्याज खरीदने के लिए क्यों जा रहे हो? चैनल वालों से प्याज मत खरीदो, बाजार में जाके खरीदो। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस बात का गम है, 2 मिनट की एक कविता सुना देता हूँ, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत शानदार। मैं आपको पहली बार बुरहानपुर में, मैं जैसा कि इन्होंने बताया कि पहली बार ये आए हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमको बुलाया ही पहली बार। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पिछली बार भाई साहब का फोन आया था, मैं आ नहीं सका, क्षमा चाहता हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैं आ नहीं सका, ये बात इनको पता नहीं थी, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे इसलिए मेरे को पता, और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि वो मेरे पिताजी हैं। कई सारी बात सुनिएगा, बोल आप हंसते हुए सुन लो, मेरा एक मानना है, इस दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे बड़ा आर्ट, दुनिया के सारे शास्त्र, 6 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, बाइबिल, कुरान, सब पढ़ लो। मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी तो नहीं हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो आदमी अगर अपने जीवन में हंस नहीं सकता, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बात, बहुत बढ़िया, आपको हंसना बहुत जरूरी है। आ जाइए, बैठ जाइए भाई, जब आप आराम से आके बैठे। मैं यही कह रहा था, सोच रहा था कि हम बार बार बाहर क्यों जा रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाना है यार। लोग भले कितना ही धक्का देके पहुंचा के बाहर जाओ, पर अपने को बाहर नहीं जाना, अपने को यही रहना है। क्या बात, क्या जबरदस्ती के नाटक कर रहे हैं, बोले भागो, कोई भी नहीं भागेगा, सब यही रहेंगे और सब यही चल रहा, बढ़िया चल रहा, प्रेम से चल रहा। मेरी एक कविता सुनिए, मैंने इससे बढ़िया कोई कविता वर्तमान सब्जेक्ट पे के लिए मैंने कविता लिखी। व्याकरण तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए, 10 10 20 20 5 5 7 7 लोग एक एक साथ जा रहे हैं। आप जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोलीकांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए झुंड के झुंड, कौन कौन मरा उनके नाम अभी तक मालूम नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये सब एक एक करके गए, पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाइए, आप झूठ के झूठ जाए, 5 5 7 7 जाए, आप आराम से, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से जाइए। और किसी के बहकावे में मत आओ, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के लोग बहकावे में आवे हो मत, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जबरदस्ती अखबार वाले, मीडिया वाले, चैनल वाले, जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, वहां पे बम फटा, बेवकूफों को पता ही नहीं, 10 20 दिन में बम फट रहे हैं। उन बेवकूफ आतंकवादियों को भी, वो भी बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं कि हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10 20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटा रहा, बोले उधर तो नहीं फटा, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फट ही नहीं रहे अब तो। और इसमें इतना लोट लेने की क्या जरूरत है यार, बम फट गया, बम फट गया, मार चैनल वाले, बम फटा, बम फट, यार वो क्यों फटा? बात ये नहीं है सर के बम फटा, बात ये है कि वो क्यों फटा। वो इसलिए फटा क्योंकि वो बम था। अब इसमें इतना पोपो गंडा करने की क्या जरूरत है यार, बम फट गया, अरे भाई बम है तो फट गया, इसमें कौन सी नई बात, वो फटी तो नहीं ना, बम था तो फट गया। और उस बम से पूछो ना कि तू क्यों फटा, उस बम से पूछो कि भाई तू क्यों फटा। उस बम की प्रॉब्लम यह है कि उस बम के मुंह में जुबान नहीं, और मान लो अगर बम के मुंह में जुबान होती और वो बोलता तो सुनता कौन? नहीं, आप ऐसे ध्यान से, अगर बम बोलेगा तो सुनेगा क्या कोई? और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। और मान लो अगर वो बम बोलता तो बुरहानपुर के बहुत अच्छे लोगों, शायद अगर बम बोलता तो वो बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं, मैं हर बार यूं ही चला गया हूं, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूं। क्या बात है, वाह, बम कहां से निकला और कहां तक, उसमें समस्या दूसरी है शर्मा जी, समस्या यह कि आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते, आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते, बम बेचारा बीच में फंस गया,
दबाव पड़ा तो फट गया। दबाव भी इतना बम पे उसको फटना पड़ा।